नमस्कार सभी को। और देखिए, जॉर्डन और इंडिया वाले मैच का अगर आपका गुस्सा शांत हो गया हो तो आज मैं आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताना चाहूँगा जिससे कि हमारा जो देश है उसका फुटबॉल जो है वो आगे जाएगा और यकीनन जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा दिल्ली की गवर्नमेंट में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मतलब कि वहाँ की नगर निगम, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है स्पोर्ट्स के लिए और उसमें भी फुटबॉल के लिए, क्योंकि फुटबॉल के लिए उतने ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं देश में भी जो कि गवर्नमेंट में है, लेकिन इन्होंने फुटबॉल के लिए सोचा है, बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जो है उन्होंने एक फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट करी है जिसका नाम है ग्रासरूट फुटबॉल एकेडमी। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये बच्चों के लिए एकेडमी है ताकि बच्चों को आगे लेके जाया जा सके स्पोर्ट्स में। और ये जो एकेडमी है ये डॉक्टर साहिब वर्मा स्टेडियम जो है काकरोला नजफगढ़ में वहाँ पर मतलब कि चलेगी। तो अगर कोई विजिट करना चाहता है तो वहाँ जाकर देख सकता है। और अब आप सोच सकते हैं कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो देखिए, ये जो एकेडमी है ये बनाई गई है जो रूरल एरियाज वाले बच्चे होते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो भैया बहुत प्राइवेट वाले है ना, अमीर, जहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है वहाँ नहीं जा सकते, तो उन बच्चों के लिए बनाई गई। क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था इनका यही उद्देश्य है कि भाई हम कुछ ऐसा करें कि इन बच्चों को पढ़ाई तो अच्छी मिल पा रही है ना, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई तो अच्छी मिल पा रही है, लेकिन ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल से वंचित ना हो जाए। तो इसलिए ही ये उन्होंने सोचा और एक प्रोजेक्ट बनाया, ग्रासरूट फुटबॉल एकेडमी। और इसके अंतर्गत उन्होंने 4 कोच और कुछ असिस्टेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, मतलब कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो मतलब कि एक प्रॉपर सही वे में इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनका उद्देश्य है कि भाई जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग देके, उनको अच्छे से नर्चर करके स्पोर्ट्स में एक हिडन टैलेंट जो है वो निकाला जाए और देश को स्पोर्ट्स में आगे लेके जाया जा सके। तो ये उनकी एक मुहिम है जो कि शुरू हो चुकी है और मैं यही आशा करूंगा कि भैया बहुत आगे तक जाए, रुके ना, बंद ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। और देखिए, इसमें सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये ऐसा नहीं है, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। तो इसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसने किया क्या है कि इन्होंने 4 क्लस्टर बनाए, जैसे अपना CBSE के क्लस्टर कैसे होते हैं, तो ऐसे इन्होंने साउथ दिल्ली में ही 4 क्लस्टर बनाए जिसमें हर एक क्लस्टर में 3 स्कूल उन्होंने डाले, तो जिसके द्वारा टोटल कितने हो गए, 12 स्कूल्स। तो 12 स्कूल्स के जो बच्चे हैं जो भी अभी फुटबॉल में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं शाम को 4 से 7 जो डॉक्टर साहिब वर्मा स्टेडियम है यहाँ पे। तो एक बहुत सही चीज़ जो कि दिल्ली, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा की गई है। और देखिए, अभी इसमें फुटबॉल है केवल, लेकिन साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इसमें आगे आगे धीरे धीरे अन्य गेम्स जो भी है वो ऐड किए जाएंगे, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं इनको ऐड किया जाएगा ताकि न सिर्फ फुटबॉल का बल्कि सभी खेलों का विकास हो सके और जिस खिलाड़ी में जिस खेल की प्रतिभा हो उसमें आगे निकल पाए। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कोई स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम होता है वो एक ऐसी सोच के साथ आगे आया है और दिल्ली में इस तरह का काम चालू किया है। और मैं यही चाहूँगा कि अन्य जो नगर निगम है अन्य देश के कई राज्यों में वो कुछ सीखें इनसे, और मैं तो नगर निगम छोड़िए राज्य ही सीख लें, राज्य ही ऐसा कुछ कर दे तो मतलब बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा भारतीय खेलों को आगे ले जाने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया मुहिम है। आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहेंगे आप जरूर कमेंट में लिख के बताएं कि आप साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये जो मुहिम है इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये कितने आगे तक जाने की आपको इसकी आशंका लगती है, और आप इनकी तारीफ में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है भारतीय खेलों के लिए। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को और भारतीय खेलों को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।